इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजधानी पटना से है, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को एक बार फिर से वाई श्रेणी की सुरक्षा मुहैया करा दी गई है। यानी कि अब संजय जायसवाल के साथ केंद्रीय जो पुलिस बल है उसके जवान तैनात रहेंगे। आपको बता दें कि पहले भी जब अग्निपथ योजना को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल मुखर होकर बोल रहे थे, उस वक्त भी उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई गई थी। उनके साथ साथ बीजेपी के तमाम नेताओं को केंद्र सरकार ने वाई श्रेणी की सुरक्षा दी थी, क्योंकि उस वक्त बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के घर पर भी हमला हुआ था, उनके कार्यालय पर भी हमला हो गया था, बीजेपी जो उनका जिला है वहां पे भी हमला हुआ था। और अब एक बार फिर जब पीएफआई मामले को लेकर संजय जायसवाल मुखर हैं, तो उसके बाद कहीं ना कहीं उनको लेकर पार्टी पूरी तरह से चिंतित है, गृह मंत्रालय चिंतित है, और इसको लेकर अब बीजेपी की ओर से उन्हें सुरक्षा दे दी गई है। वाई श्रेणी की सुरक्षा जो है वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को दे दी गई है। और कहीं ना कहीं बिहार में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है उसके बाद कई बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। लगातार जो है नीतीश और तेजस्वी के खिलाफ भी संजय जायसवाल मुखर होकर बोल रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर और बिहार में अब जिस तरह से कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं लगातार बिगड़ती नज़र आ रही है, लगातार जो है अपराध की घटनाएं बढ़ रही है, तो इसको लेकर तमाम नेताओं को लेकर भी गृह मंत्रालय चिंतित है। और ख़ास करके बीजेपी के जो तमाम बेबाक तरीके से बोलने वाले नेता हैं उसमें से माने जाते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, और उनके लिए वाई श्रेणी की सुरक्षा एक बार फिर से मुहैया करा दी गई है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जो कि सांसद भी हैं उनको अब वाई श्रेणी की सुरक्षा मिल गई है। यानी कि उनके साथ पहले से जो तीन फोर्सेज होते थे उसके साथ साथ अब वाई श्रेणी की सुरक्षा मिल गई, यानी कि उनके साथ अतिरिक्त विशेष सुरक्षा बल यानी कि कमांडो जो हैं वो तैनात रहेंगे। तो कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा की जो समीक्षा हुई है उसमें खतरा पाया गया है, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने ये फैसला लिया है। और लगातार जब कुछ मुद्दे जो हैं वो तेज़ होते हैं उसके बाद जब संजय जायसवाल मुखर होकर बोलते हैं उसके बाद गृह मंत्रालय कहीं ना कहीं उनके सुरक्षा को लेकर चिंतित ज़रूर हो जाता है। और इसी क्रम में जब अग्निपथ योजना को लेकर जब वो मुखर होकर बोल रहे थे उन्होंने बिहार की सरकार और बिहार पुलिस पर ही सवाल खड़े कर दिए थे, उसके बाद उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली थी। और अब जब पीएफआई को लेकर अब एक बार फिर जब संजय जायसवाल मुखर हैं, जब पीएफआई को केंद्र सरकार ने बैन कर दिया और उसके बाद संजय जायसवाल ने भी कहीं ना कहीं पीएफआई को लेकर ज़ोरदार हमला बोला था और आतंकी संगठन कहीं ना कहीं पीएफआई को बता दिया था, उसके बाद जो है लगातार तेजस्वी और नीतीश कुमार को भी वो निशाने में लिए रहते हैं, कहीं ना कहीं लगातार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर भी लगातार वो हमला बोलते रहते हैं। तो इसको इसके मद्देनज़र कहीं ना कहीं संजय जायसवाल की सुरक्षा पर जो है वो खतरा मंडरा रहा है। उसके बाद ये गृह मंत्रालय ने इस वक्त की सबसे बड़ी फैसला लिया है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को एक बार फिर से वाई श्रेणी की सुरक्षा मिल गई है, जो कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो खतरा है उसको देखते हुए गृह मंत्रालय ने ये बड़ा फैसला लिया। ऐसे ही तमाम आशीर्वाद इंजीकोन ग्रुप की तरफ से बिहार वासियों और देशवासियों का दशहरा का ढेर सारी शुभकामनाएं, और अपने जितने आशीर्वाद इंजीकोन ग्रुप के क्लाइंट हैं उनको ढेर सारी दशहरा को बधाई देते हैं। जय माता दी।